शर्मावादी मुख्यमंत्री मारा काम का ये बात कंध्याने। ये लोग बैठे हैं यहाँ तो मुख्यमंत्री ने 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने लोगों को ये आश्वासन दिया था, इन्होंने उसका मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी मनाया था, लेकिन उससे कोई सारा तो कोई लग गया। हम किसे तीन कंधे मारा बालक न लुआ दे, को नौकरी दिवा दे, वो भी नहीं मांगते हम इस पर। कम से कम मारा तो ऐसा करते जी तुम्हारे खुद थे वो हमारे उसे जगह पर छोड़ दे। उस दिन शराबत बैठा फिर आंदोलन आगे ही बढ़ावांगे। डेढ़ साल हो गया बाढ़ देख दें या बाढ़ देख रहे करे दे, नहीं तो फिर आंदोलन और तेज कराएंगे। तीन सरपंच आपके गांव में? हमारे गांव में 3 सरपंच बनते हैं और फिलहाल भी 3 सरपंच हैं, उनमें से 2 सरपंच तो इसके खिलाफ हैं, इस धरने के और इस किलाबंदी के खिलाफ। हमारे गाँव का स्कूल सही हो, अस्पताल सही हो, डिग्गी सही हो, गांव की गाल सही हो, गांव के खेतों का पानी जान की सुविधा हो, किसी लोग आई ना आन जान की सुविधा हो, गांव में रोड आती तो बस बाईपास ले जान लायक लिए। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई परसों आया था इस गांव में, निंदाणा गांव में परसों आया था, आया तो मैं सर्वे खतर था कि भाई कौन सी सरकार काम करे है, लेकिन यड़ा आया तो यड़ा का मामला एक में और पाया। जब आप मैम कांत उस साइड था वहाँ लखन माजरत है निंदाणा गांव आवा है, अरे वो अड़े पूरा झोपड़ी बना के ये बैठे हैं लगभग 1.5 साल से 1.5 साल से। कत्ते बैठे हो जी आप अड़े? सर 15 जनवरी 2022 से बैठे हैं यहाँ पर। 15 जनवरी 2022 से बैठे हैं? अरे या कोई एक आदमी की समस्या ना है, पूरे गांव की लगभग 2500-3000 किले खराब होने लग रहे हैं पानी के कारण, पानी खड़ा हुआ है और उसका समाधान 27 साल तक समस्या आज तक होनी भाई। तो बैठे हैं लगभग पूरा गांव परेशान है, सिर्फ एक किले किले की समस्या नहीं, आड़े के स्कूल की टंकी की घनी समस्या है। सबसे बड़ा रोला है यो है कि इस गांव के ही मुख्यमंत्री साहब हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मामला क्या जी एक बार बताओ? मामला जी यहाँ ने निंदाणा गांव में किला बंदी हुई थी। अच्छा। तो किला बंदी 2006 में हुड्डा सरकार में शुरू की गई। अच्छा जी। तो हुड्डा सरकार में शुरू की गई तो फिर या 2014 में इसको कार्य दिया गया। 2014 में इसमें क्या किया कि जो पंचायत चुनी हुई पंचायत थी निर्वाचन से, तो वह चुनी हुई पंचायत को मसावी कमेटी में बदल दिया। मसावी कमेटी ने बदलिया और उसने क्या किया, इसमें वे थे सातिर लालची लोग, उनने अपनी जल भराव से जमीन उठा गए और अच्छे स्थान पर लगवा ली, जैसे माइनर के पास है, माइनर का मोगा के पास है, वहाँ अच्छी जो जमीन थी वहाँ लगवा ली। और ये जो लोग साधारण गरीब आदमी जो बैठे ने, इनकी जमीन अच्छे स्थान से यहाँ जल भराव और बरानी एरिया में लगा दी, इसलिए ये लोग कई बार मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने इनकी कोई सुनवाई नहीं करी। आखिर में 15 जनवरी 2022 से इन पूरा गाँव इकट्ठा हो गए, ये 90% गाँव है और 90% गांव इकट्ठा होकर इन्होंने फिर 15 जनवरी से धरना शुरू कर दिया। 15 जनवरी से धरना शुरू करके ने और 21 जनवरी 2022 को ये मुख्यमंत्री से मिले, एक कमेटी बना गए, तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया कि मैं तुम्हारी ठीक कराऊंगा, एक आदमी की भी गलत ना रहने दूं। उस आश्वासन के कारण ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये 1.5 वर्ष से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना तो इसको उस आश्वासन से कमीन का समाधान हुआ और ना वो आश्वासन पूरा हुआ, एक लद्दूठा आश्वासन रह गया और आज तक ये लोग यहीं बैठे हैं। भाई मुख्यमंत्री साहब का यो गांव है और मुख्यमंत्री साहब नुका अगर भाई सब के बारे में सोचांगे, कोई कितिया किसे जाति भाव में कुछ नहीं करांगे, सबका साथ सबका विकास वो एजेंडा लेकर चला करें। नौकरी बहुत सारी जगह ठीक दी है, लेकिन जब उनके गांव की ही बात करें, 3 सरपंच आपके गांव में? हमारे गांव में 3 सरपंच बनते हैं और फिलहाल भी 3 सरपंच हैं, उनमें से 2 सरपंच तो इसके खिलाफ हैं, इस धरने के और इस किलाबंदी के खिलाफ। उन लोगों ने अपने मनचाहे ढंग से या किलाबंदी कराई है, उन्होंने अपने मनचाहे ढंग से अपनी जमीन लगवा ली, इन साधारण लोगों से उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। ये 152D जो निकला, इसमें उन्होंने अपनी जमीन तो लगवा ली और इन लोगों की किसी की जमीन आओ थी, ये एक बूढ़ा अनपढ़ आदमी बैठा है, इसने पता नहीं, इसका खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया। अच्छा। और हाँ, और इसके पैसे भी वसूल लिए। धर्मवीर मास्टर उस कमेटी का मेम्बर है, धर्मवीर मास्टर ने
उसका एक छोटा सा जिदार है उद्दे, उद्दे भी एक अनपढ़ आदमी है, उसकी जमीन उसने अपने आप लगवा ली और उसके जो उद्दे की जमीन आव थी वह वहाँ से डकवा दी। इस रोड में जब जमीन आई तो उसको उसका ट्यूबवेल था, उस ट्यूबवेल का तो मुआवजा उसको उद्दे को मिल गया और रोड की जो जमीन की कीमत थी वह अच्छी कीमत लग रही थी वह उसने दूसरा आदमी ने ले ली। ये ऐसा इतना बड़ा घपला इसमें हो रहा है। कुछ मीशे से चैनल वाले बहुत सारे लोग इसे यहाँ पे 1.5 साल तक है आए, दूसरे दिन कोई ना कोई चैनल वाला आ जावा है, इनकी सुन जावा है और वो कितियाँ छापदायक होनी, यह भी समस्या सुनो सर। कुछ मुख्य तौर पे या सरकार ऐसी बहरी गुंगी सरकार है या सुनाई ये नहीं कर दी, ठीक है। ये लोग बैठे हैं यहाँ तो मुख्यमंत्री ने 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने लोगों को ये आश्वासन दिया था, इन्होंने उसका मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी मनाया था लेकिन उससे कोई सारा तो कोई नहीं लग गया। वहाँ तो आम सभी न्यूज़ वाले थे, मीडिया वाले सारे तो थे, लेकिन वह अगले दिन अखबार में भी आई, हमने उसका जन्मदिन मनाया वो भी अखबार में आया लेकिन उसका समाधान तो कोई नहीं करता कुछ भी। समस्या को ना जन्मदिन आ गया, जन्मदिन तो आ गया, समस्या सोल्व नहीं हुई। 2 फरवरी 2022 को यहाँ पर एक समस्या बॉक्स रखा गया, समस्या बॉक्स के अंदर गाँव ने समस्या पर्ची डाल दी, 1162 पर्ची डाली गई, 1162 पर्चियाँ में 1002 पर्चियों के ऊपर समस्या थी। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर से वे पर्ची मंगवाई और पूछा कितने परसेंट गलत है, तो उसमें मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2022 को इस कमेटी के सामने ये बोला था कि मैंने सारी जांच करा ली है, इसमें 92% गलत है, 92% पुराने कब्जे हैं, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, या तो एक ही तरीका इसका नए सरत करी जाए। और उस दिन कमेटी के बीच में मुख्यमंत्री ने इसको किल्लाबंदी को कैंसिल किया था लेकिन उसका रिजल्ट आज तक कुछ नहीं मिला, ये पब्लिक आज भी आपके सामने बैठी हुई है। देखो भाई मारे बुजुर्ग बैठे हैं हाड़े और ऐसे ऐसे मामले ने मेरे ख्याल से तो खापा ने बीच में आना चाहिए और इसी से मामले खातर खाप बनी भी है, ये कोई व्यक्ति विशेष जाति विशेष नहीं है, सारी 36 बरादरी आड़े है और इब भी अगर इनकी सुनवाई नहीं है तो 2024 भी घना दूर नहीं है, यही बात है जी। फिर 2024 का तो जी फिर यह तो 2024 का चुनाव में तो इन लोग जब 1.5 वर्ष तो इन्होंने बैठा हुआ हो गया, अगर जब ये आलिन कर रहा है तो फिर 2024 का चुनाव तो ये अपने आप से निर्वाचन करेंगे, ठीक बात है, ठीक है। ये तो नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री का प्रेशर है, मुख्यमंत्री की कोई रिश्वत है, कोई और कोई बात है, ठीक है। मुख्यमंत्री इस गाँव का था, रिस्पेक्ट थी, बुजुर्ग आदमी है इस गाँव के और इस हरियाणा स्टेट के भी मुख्यमंत्री हैं, हम उस बात से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट कब तक करेंगे आप बताइए, रिस्पेक्ट हम कब तक करेंगे। ये पब्लिक ऐसे बैठी रही तो किसी का कोई समाधान नहीं है, तो हम कहते हैं कि जब इस मुख्यमंत्री ने इस जन्म इस धरती के उस पर जन्म लिया है और यह धरती इतनी पवित्र थी कि एक राजा को जन्म दिया और फिर उसी धरती पर वह इतना तंग कर रहे हैं, होना तो चाहिए था निंदाना गाँव स्वर्ग है और ये बना रखा नरक है, ये नरक बना रखा है, ये 1.5 वर्ष से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने शर्म आती है इस बात से, शर्म आवा जी मुख्यमंत्री महाराज काम का ये बात कंध्याने, ठीक बात है। देखो भाई समस्या है और कुछ यहाँ महिलाएं भी खड़ी हैं, इनते बतलाओ भाई इनका क्या कहना है, 1.5 साल तक बैठे रहना बड़ी तपस्या है। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, क्या कहना चाहोगे, मामला क्या चल रहा है? इन सब धरनावासियों को मेरी राम राम। हम ये कहना चाहवा जी, जो किलाबंदी की समस्याएं हैं जिसकी भी गलत हैं, जो गरीब आदमी था वो पैसा नहीं था उसके पास, उसकी जमीन तो खराब जगह लगाई गई और जो इसकी सिफारिश थी पैसा था वो खराब अच्छी जमीन पकड़ गया जी। और दूसरी बात है, ये जो गांव के सीवर जो नाले पानी सप्लाई का था ना, वो गांव की गली बिल्कुल खराब है, कोई सुनाई नहीं, सारे गांव की समस्या है। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी सबकी सुनवाई की जाए। और जो खेतों में किसानों के पानी भरता है, किसान जो जी जिसका नौकरी का साधन नहीं है, जो सिर्फ खेती पर निर्भर है, वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करे, कि फसलों में नष्ट हो जाती है फसल, पानी भराव ज़्यादा है, 27-28 सालों से
किसान परेशान है उसका भी समाधान किया जाए। भाई देखो, मैंने लगभग 5,000 वीडियो बना ली होंगी, सबसे बड़ी समस्या इस गांव की आई है, और यो गांव मुख्यमंत्री साहब का है, और फिर भी हड़े कोई सोल्यूशन ना हो तो सच में हम और कुछ कह नहीं सकते भाई, इस तरह माड़ा और क्यों होगा। अपना गांव तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने गम्मा खातर स्वर्ग बनाया है भाई, यो मुख्यमंत्री साहब हमारे मनोहर लाल जी का गांव है, और याड़ा इतनी बिरान माटी डेढ़ साल तक याड़ा आंदोलन करने लग रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं कर रहे, और ये आराम से बैठे हैं, जय तो मेरे ख्याल इनकी सुनवाई को नोरी। अगर इतना बड़ा काम होते हो ये कुछ कर दें तो मुख्यमंत्री साहब बाजे बाजे होंगे, सेट दी काम भी करेंगे, सराफत का नजायज़ फायदा उठाया जा रहा है। और कोई अपनी बात कहना चाहता हो तो उस दिन बैठेंगे सराफत पे, उस दिन सराफत पे बैठेंगे, फिर आंदोलन आगे ही बढ़ावेंगे। डेढ़ साल हो गया बाढ़ देख दे नहीं आए, बाढ़ देख रहे करे दे नहीं तो फिर आंदोलन और तेज कराएंगे, गुआंढा भी बुलावेंगे। सही बात, और बाहर जिले के आदमियों ने भी बुलावेंगे, उड्डा साहब आवे यहाँ पे अधिकारियां घेराव भी करेंगे। अच्छा, हाँ जी, उड्डा साहब आवे यहाँ पे। सर यहाँ पर है ना सभी राजनीतिक दलों के लीडर आए हैं, यहाँ से बीजेपी से शमशेर सिंह खरकड़ा आए, कांग्रेस से आनंद सिंह दांगी आए। खरकड़ा की बात करा उन्होंने के कुछ एक सेकंड, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए यहाँ पर, ठीक है, और इन लोग नफे सिंह राठी इस प्रदेश के अध्यक्ष आए, और जेजेपी से अर्ज्ञान यहाँ प्रत्याशी था वे यहाँ पर आए, और शमशेर सिंह खरकड़ा ने सबसे बड़ा धोखा शमशेर सिंह खरकड़ा ने कराया इस गांव के साथ में। हम पहले भी मिले, मैं इंडिविजुअल भी मिला शमशेर सिंह खरकड़ा से, वहाँ सर इसी तरह बातें हो रही हैं और आप थोड़ी ही हेल्प कर दो, उसने मना कर दिया, नहीं बोला मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। पहली बात तो उस टाइम पर, फिर यहाँ पर आंदोलन हो रहा था उस टाइम पर, तो यहाँ ने पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा था जिस दिन शमशेर सिंह खरकड़ा यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया तो उसने क्या किया कि पता नहीं उसने फ़ोन मिला रखा था ना मिला रखा था, घर की बात थी क्या थी, उसने बता दिया 5 मिनट और 44 सेकंड मेरी बात हो रही है मुख्यमंत्री से, और बिला धरना उठा लो मैं आपका जिम्मेवार होऊंगा। तो गांव ने बता दिया कि जिम्मेवार होंगे आप, या तो मुख्यमंत्री से बात करते हुए दिखा दो या लिखित रूप में दे दो, हम धरना उठा लेंगे ना। तो उसने वो मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग सुनाई और ना उसने लिखित रूप में दिया, और ना फिर उसके बाद उसने 3 महीने का टाइम रख के गया था, 3 महीने के दौरान उसने हमारे को कोई रिजल्ट नहीं दिया, और रिजल्ट है तो आज ये पब्लिक यहाँ आपके सामने बैठी हुई है, रिजल्ट है। अच्छा, बात करें बलराज कुंडू की, बलराज कुंडू तो एक खाली MLA है, बलराज कुंडू का भी कोई मने ऐसा कुछ नहीं दिखता। 21 जनवरी 2022 को बलराज कुंडू ने हमारे को मुख्यमंत्री से मीटिंग कराई थी पहली, वह एक मीटिंग तो उस टाइम पर थोड़ी सक्सेस ही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री उसका बलराज कुंडू का हमारे बीच में कोई रोल नहीं है। आनंद सिंह दांगी जी की बात करा, आनंद सिंह दांगी ने बोल दिया भाई हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जैसा हूँ बस। हुड्डा साहब आए थे यहाँ पे, दीपेंद्र हुड्डा आया था, उसने FCRP उस टाइम पर वर्तमान में पी के दास वहाँ पर FCR थे, उससे बात कर कर यहाँ पर आया था, और उसने बता दिया भाई मेरे लायक जो बात हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वर्ड कह गए और दीपेंद्र हुड्डा चला गया। मतलब सारे सुख के साथ की तो सारे सुख के साथी हैं। 2024 में किस नेहरा दिखाओगे अड़े कौन सा बढ़ना? 2024 में तो गांव देखेगा भाई हल्का देखेगा, ठीक है, लेकिन सरकार का तो इस सरकार को तो देख लिया, ठीक है, ये जैसे शमशेर सिंह खरकड़ा कह रहा है 3 बार में मेरा कंपार्ट आ गया, तो इस हालात में तो चौथा भी कंपार्ट आओगा उसका नहीं टूटे इस हालात में, ना उसका नहीं पटेगा, शमशेर का नहीं पटेगा कंपार्ट, चौथी बार फिर ठप तो भाई देखो निंदाणा गांव की सच में ये 5,000 वीडियो में तो यह इकलौती वीडियो ऐसी है जो इस गांव के लिए सबसे मतलब माड़ी समस्या है यार। भाई मेरी जमीन सबसे खराब है, मेरे तो रपी से तो सूत्री जंगा सेट करवा लूंगा मेरी जमीन ने, यह आड़े की समस्या है। सरकारी स्कूल की बात कर ले कई जगह शर्मा जी आप है ने एक बार ये देखो, ये इधर ये ढूंढ पटेरे जाम रहे हैं, ये है ने ये जल भराव की जमीन है, लोग यहाँ क्या करते हैं फसल बिजाई के लिए पड़ोसी को दे देते हैं, अकबर हो गया तो फ्री में बोले तेरा है,
ना आया तो तेरे को खाद बीज बुआई गई, हम पैसे देंगे 2,000-4,000 रुपये, ऐसा ये हाल है। तो उसने 9 साल ते क्या इस ड्रेन निकल रही है यहाँ से 7 से, तो उस ड्रेन में ये पानी नहीं डलना चाहिए था। 9 साल से इसमें कोई समाधान तो इस जल भराव का नहीं होया। ये इधर तो डाबर का है, उधर ताल का है, ठीक है, कम से कम भी ये 100-200 किले जरूर बन दे होंगे। कितने? 2000 प्लस किले से ज्यादा की समस्या है भैया, 2000 प्लस से ज्यादा किले की समस्या है। शुरू होने लाग जाए आगत है, 2000 तक कम किले नहीं है। मैम तो नहीं है, मैम तो जो ये डिग्गी डैगी उड़ते ही पानी पहुँचने लाग लिया चिमनिया थी, 3 किलोमीटर पानी जा गांव ते, कोई दाना नहीं जमदा उड़े, ठीक है, सारा मामला खत्म हो रहा है। मान ले कोई इस हम नहीं मांगते, को पर्सनल मारा काम कर दो, गांव सा चला तो काम करे है ना, हम किसी तीन कहते मारा बालक ने लुआ दे, को नौकरी दिवा दे, वो भी नहीं मांगते हम इस पर। कम से कम मारा तो ऐसा कर दे जी, तुम्हारे खुड थे वो हमारे उसे जगह पर छोड़ दे, रपिए मेरे पैसे नहीं, मास्टर जी आप रपिए, मास्टर जी तो लुआ गया अपना नहर तड़े, हाँ मेरी ला दी आड़े इन झुंडा में, मेरे तो बालक आड़े मर लेंगे इन पैदा, वो कर करके ने करूँगा के दसी मेरे पप्पा लाए नहीं है, इन्हें कितने सीधे करूँगा, वहाँ तक पानी भरया खड़ा रहे, कोई विशेष ध्यान स्कूल मारा गांव का डंका नहीं, डिग्गी मारा गांव से बड्डी कई पूरा हरियाणा में भी हो, इतनी जमीन हमने दे रखी है डिग्गी में, पानी पीने का नहीं आंदा लोग आइया थी, ये आड़े बेचारी ठाठा पंडे उड़ती हांडे धक्के खांदी, ठीक है, किसे का कुछ समाधान, कोई छोटा है किसे का कोई, ये इतने शिवर खोद दिए, एक गाल दिखा दे तू गांव में चाल कर, गांव सीएम का सीएम कंदोड़ी भी शर्माण की बात है, कोई ऐसा एक भी गली जो कोई किसी गली हो छोटी ही अकबया गली सही है, मारा गांव का स्कूल सही हो, अस्पताल सही हो, डिग्गी सही हो, गांव की गाल सही हो, गांव के खेतों का पानी जान की सुविधा हो, किसे लोग आई ना आन जान की सुविधा हो, गांव में अगर रोड आती तो बस बाईपास ले जाने लायक लिए। सर एक सेकंड एक छोटी और बात थी, मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2022 को इस धरना कमेटी को एक शब्द बताया था कि मैंने इसकी जाँच करा ली, तो एक कहावत है कि काले सराड़ा का बर्दा नहीं, तो पटवारिया ने इतने रुपये खा लिए, पटवारी छेक लिए हाथ जोड़ के, वो रुपया की हमने जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री ने ये वर्डिंग कही इस गांव से, इस गांव से पटवारिया ने इतने रुपये लिए कि वे हाथ जोड़ के छेक लिए, हमने रुपया की जरूरत नहीं है, और वे पटवारी इतना भ्रष्ट करके इतने करप्ट हो गए, और वे तो आज प्रमोटेड हो रहे हैं, और ये गाँव आज यहाँ बैठा हुआ है, उस महकमे को तो प्रमोशन दे दिया और गांव यहाँ बैठे हैं, देखो वह वर्डिंग होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के शब्द ही है भाई, यो मौसम जो है नौ तपे का है और इसमें इतनी बरान मट्टी है, अरे छक्का बारिश भी आवा है, ओले भी पड़े हैं, ये अरे मतलब 1.5 साल में सारे मौसम बुढ़ बुढ़ का लिए भाई, अरे इस गांव की कोई सुनवाई नहीं है, अरे भाई सच में घनी बरान मट्टी है, अगर यह स्थिति चलती रही तो सच में विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह कुछ कहने देने है नहीं भाई, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, धन्यवाद।